Oman. Omji. Hey, ruk ruk ruk. Arey ruk ruk. Arey thing. Arey chal le. Koi gyapan de do na gyapan. करेगी जाना बड़ी मीटिंग है, आर्मी मीटिंग है बड़ी समाज में मिला धीरे धीरे कम बड़ी तो है सुना था आज आज वो कैमरा बहुत ना भी है कल कंटे हो जाए को दो कंटे दो और बहुत बहुत ना है बात करना भी मेरा 2 फरवरी 2015 को इलेक्शन हुए तब हमने आत्माराम का आवेदन रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किया। इसकी योग्यता 12वीं पास है। हमारी पंचायत में नई पंचायत जो बनी है उसमें 3 गांव हैं। ये 2 सगे भाई हैं, एक की 12वीं पास है, एक की 10वीं पास है। उसके सिवाय किसी भील के पास कोई 8वीं की टीसी नहीं है। एक के पास है तो उनके 4 बच्चे हैं। हमें ये उम्मीद थी कि हमारा सरपंच निर्विरोध जीतेगा, क्योंकि अगला कोई चुनाव वहाँ पर टीसी वाला है ही नहीं तो आवेदन कौन करेगा। तो उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके आवेदन तैयार किया, 8वीं की टीसी तैयार की। वो टीसी से चुनाव भी लड़ लिया, उसके बाद में आपने क्या किया? उसके बाद में हमने कोर्ट का शरण लिया। कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है आज? कोर्ट ने डिसीजन दिया है जिसकी टीसी फर्जी थी उसको फर्जी साबित किया है, उसको अपने पद से हटाया है, और इसकी टीसी सही थी तो इसको वापस योग्य घोषित कर दिया। फैसला मानते हैं आप गांव वाले? खूब बड़ा मानते हैं जी। अगर सरकार कोई डिसीजन देती है कि ये कानून है, कानून को तोड़ के कोई अपराध करता है उसमें कोर्ट डिसीजन नहीं देगी तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, पंचायत के जो चुनाव 2015 में हुए थे उस समय ग्राम पंचायत लकड़ासर के सरपंच के चुनाव में आत्माराम और ठाकराराम के बीच में सरपंच का चुनाव लड़ा गया, और जो ठाकराराम था उसने फर्जी टीसी 8वीं की नौकार बाल विद्या मंदिर बाड़मेर की फर्जी टीसी लेकर उस चुनाव को लड़ा। पंचायत अधिनियम के तहत सरपंच के चुनाव को लड़ने के लिए 8वीं पास उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है, जबकि वो ठाकराराम 8वीं उत्तीर्ण नहीं था, उसने नौकार स्कूल की फर्जी टीसी लेकर उस इलेक्शन को लड़ा, और जो सामने कैंडिडेट था आत्माराम उसने उस समय आपत्ति भी प्रस्तुत की, लेकिन उसकी आपत्ति को अनदेखा करके उस ठाकराराम को निर्वाचित इलेक्शन में किया गया, और वो इलेक्शन उस फर्जी टीसी के आधार पर वो इलेक्शन जीत गया। इलेक्शन जीतने के बाद में हमने पंचायत अधिनियम के तहत माननीय डीजे साहब के यहाँ पर चुनाव याचिका प्रस्तुत की, जो डीजे साहब ने अंतरित करके श्रीमान सिविल जज वरिष्ठ सिविल जज के यहाँ पर स्थानांतरित की। स्थानांतरित करने के बाद में माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई की गई, ठाकराराम को नोटिस दिए गए। नोटिस देने के बाद में उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने उपस्थिति दी। दोनों पक्षों की शहादत और एविडेंस होने के बाद में मेरी ओर से आत्माराम के तरफ से मैंने कोर्ट में आर्गुमेंट्स प्रस्तुत किए, तथा ठाकराराम की टीसी फर्जी है उसके संबंध में स्कूल की सूचना के अधिकार के तहत नकलें प्रस्तुत की, और माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी की रिपोर्ट जिसमें फर्जी टीसी पाई गई वो रिपोर्ट्स मैंने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की। दोनों पक्षों की एविडेंस सुनने के बाद में, साक्ष्य के बाद में माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की अधिवक्ताओं की बहस सुनी। बहस सुनने के बाद में कल दिनांक 1/6/2018 को माननीय न्यायालय ने हमारी याचिका स्वीकार करते हुए विप्रार्थी ठाकराराम की टीसी फर्जी घोषित करते हुए उसे सरपंच
पद से अयोग्य घोषित किया तथा जो सरपंच का चुनाव आत्माराम हार गया था उसे सरपंच घोषित किया कल दिनांक 1/6/2018 को। कितना टाइम लगा? देखिए कोर्टों में समय की कहीं पर भी कोई लिमिटेशन नहीं होती है, लेकिन इस प्रोसेस में हमने लगभग 2.5 और 3 साल के अंदर माननीय न्यायालय ने इस चुनाव याचिका का निर्णय कर दिया है और बहुत ही अच्छा निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा किया गया है।